एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 के हमने अभी तक 5 पार्ट किए हुए हैं, अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट करेंगे। तो इन सब में फैक्टराइज ही करना है, तो चलो देखते हैं 6th पार्ट क्या है। वाई, फिर लिखा हुआ है वाई प्लस जेड प्लस 9 और फिर वाई प्लस जेड, ये तो खुद ही उसने करके दिया हुआ है। ये देखो ब्रैकेट में वाई प्लस जेड सेम आ रहा है ना, इसको एक बार लिखना है। ये ब्रैकेट की क्लोज, फिर नई ब्रैकेट, फिर ये जो बच गया वाई प्लस 9, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो ये 6th पार्ट था। अब 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट क्या है, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ग्रुप बना लो ऐसे और ऐसे। तो पहले ग्रुप में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 के टेबल में 5 भी आता है 20 भी आता है, एक तो 5 निकालना है। y कितनी बार है, 2 बार, इधर एक बार, कम से कम एक बार तो आ ही जाएगा। 5 बाहर निकाल चुके हो, y एक घटा देना है, y आ गया माइनस 5 के टेबल में 20 का आता है 4 के साथ, y नहीं लिखना है क्योंकि इसको बाहर निकाल चुके हो। अब इधर एक तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा और देखो क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 8 एंड 2 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 कॉमन निकाल लो। z इधर भी है और z यहाँ पे भी है, तो z कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा, अभी देखते हैं, पीछे बच गया ये, क्या बच गया, 2 के टेबल में 8 का आता है 4 के साथ आता है, क्योंकि ये माइनस का साइन निकाला ना कॉमन, तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 भी निकाल चुके हो, z भी निकाल चुके हो, तो ये बच गया y। ये देखो एक जैसे नहीं आए हैं, ये y माइनस 4 और ये क्या 4 माइनस y है, लेकिन इनको एक जैसा बनाया जा सकता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे बनाना है। ये 5y y माइनस 4, क्या करो यहाँ से ले लो माइनस का साइन कॉमन, क्या करना है माइनस का साइन क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, और ये वाला जो साइन है ये भी उल्टा हो जाता है। ये क्या साइन है, माइनस का ना, ये प्लस का आ जाएगा 2z। y का साइन कौन सा था, माइनस का, मैंने कहा उल्टा कर देना है, प्लस का हो जाएगा। 4 के साथ कौन सा साइन है, आगे देखना होता है साइन, कोई नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है, तो ये माइनस का हो जाएगा। आप देखो आया नहीं एक जैसा, तो ये y माइनस 4 आ गया ब्रैकेट में, और फिर पीछे जो बचा y 5y प्लस 2z, ये फैक्टराइजेशन हो गई, एक नया आपके लिए पार्ट था। उसके बाद 8th पार्ट देखो, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है, बना लो ग्रुप। 10 और 4 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ए बी कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, 2 के टेबल में 10 कब आएगा, 5 के साथ, फिर ये b प्लस 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 के साथ, ये तो आप बाहर निकाल चुके हो, ये आएगा ही नहीं। अब इधर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो आ ही सकता है ना, 5b प्लस 2, ये देखो एक जैसा आ रहा है, 5b प्लस 2 और फिर 2a प्लस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसका लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसको करते हैं, बना लो इसमें भी ग्रुप बना लो। देखो पहले ग्रुप में क्या कॉमन आया, 6 और 4 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, x तो आएगा नहीं दोनों में, y आ जाएगा कॉमन। क्या बचा ब्रैकेट के अंदर में, 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 के साथ, फिर ये माइनस का साइन, 2 के टेबल में 4 कब आता है, साथ में इसके ना x भी आएगा ना, ये x, फिर माइनस
टू के डब्ल्यू में फोर कब आता है, टू के साथ, वाई तो आएगा नहीं, इसको बाहर निकाल चुके हो। प्लस देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिक्स और नाइन किस टेबल में आते हैं, थ्री के टेबल में आ जाते हैं, थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन। ये देखो एक जैसे अभी आए नहीं है लेकिन आए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना माइनस का साइन कॉमन, ऐसा ही करना है। टू बाई थ्री एक्स माइनस टू, लो माइनस का साइन कॉमन, ये साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, थ्री पहले इसको लिखना है, माइनस का साइन था इसका, साइन उल्टा, थ्री एक्स फिर इसको लिखना है, कौन सा साइन था पहले, प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये देखो एक जैसा आ गया, फिर थ्री एक्स माइनस टू ब्रैकेट वाली टर्म, फिर दोबारा एक ब्रैकेट लगाई, टू वाई माइनस थ्री, ये फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, तो ये इसके तीसरे क्वेश्चन के आगे जो हमने पार्ट छोड़े थे वो हैं, ध्यान से इसको समझ के कॉपी पर नोट।